आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को परमेश्वर पिता के मधुर और जलाली नाम में मैं सबको जय मसीह की बोलती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर है। अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट मैं वचन में स्टार्ट कर पाए। ओके, आई थिंक मेरी आवाज क्लियर है। तो आइए, पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ आज के इस लाइव डिवोशन सेशन में। और आइए हम सब मिलकर पहले प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी सारी आशीषों के लिए। पिता, आपने मुझे संभाला, हम सबको आपने संभाल के रखा। पिता, आज का दिन दिखाया पिता, जीवितों के पृथ्वी पर रखा पिता, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता। और जितने भी लोग पिता यहाँ पर आज इस लाइव सेशन में पिता जुड़ते हैं और इस वचन को सुनते हैं, उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए और होने दीजिए पिता कि ये वचन के हम सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके। इस वचन को जो लोग बाद में सुनते हैं उन्हें भी आप बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता। और तमाम वो लोग जो इस वक्त दुख तकलीफ पीड़ा में हैं पिता, किसी भी प्रकार की तकलीफ वो अपनी लाइफ में झेल रहे हैं पिता, उनके साथ होइएगा। उनके हर पिता दिक्कतों को, उनके बोझ को अपने ऊपर लीजिए पिता, और अपनी शांति और अपनी स्ट्रेंथ दीजिए पिता, और बहुतायत की आशीष पिता उन्हें दीजिए। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर पिता आप हाँ आमीन में देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है पिता। जब मैं आज का वचन बोलती पिता आप मेरे साथ होइए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को आप मेरे साथ में दीजिए और होने दीजिए कि पिता जो कुछ भी मैं बोलती वो मेरे द्वारा नहीं परंतु पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ में बोलने वाली हो सकूं पिता। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इस विनती को आपके ही प्यारे और मीठे नाम से मांग लेती पिता, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम एक छोटा सा गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की, स्तुति गाएं हालेलुया, स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की, स्तुति गाएं। यरीहो जैसी बाधाएं हो अगवाई यीशु करेगा, यरीहो जैसी बाधाएं हो अगवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की, स्तुति गाएं हालेलुया, स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की, स्तुति गाएं। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु में सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु में सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की, स्तुति गाएं हालेलुया, स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की, स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की, स्तुति गाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को सारी आशीषों के लिए। और ऐसा
ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि इस गाने के द्वारा जो सारी महिमा हम परमेश्वर को देना चाहते हैं वो उसे ग्रहण योग्य हो। आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे, और आज का जो वचन मैंने चुना है वो फिर से एक पैराबल है, और मेरे साथ आप निकाल लेंगे लूका की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय और उसकी 9 से 14वीं आयत तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 9 to 14। आइए हम देखें कि यहाँ पे परमेश्वर पिता हमको क्या बताना चाहते हैं। पहले मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहती हूँ। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आगे उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन पे के पढ़े और जितने भी लोगों ने इसे सुना है सबको बहुत आयत की आशीष दे, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन के माध्यम से जो कुछ भी वो हमें सिखाना चाहते हैं वो हमें हमारी बुद्धि को खोले, और हमें पवित्र आत्मा हमें इस वचन से जो शिक्षा देना चाहता है वो हमें समझने में सहायता करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक दृष्टांत है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह अक्सर अपने शिष्यों को, अपने डिसाइपल्स को कोई भी बात उन्हें समझानी होती थी, सिखानी होती थी, तो वो हमेशा दृष्टांत के थ्रू समझाते थे, और यहाँ पे भी उन्होंने वही किया है। और हमें भी इस दृष्टांत से जो भी सीखने को मिलता है आइए हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो व्यक्तियों के बारे में इंसिडेंट जो है वो दो व्यक्तियों के बारे में है, एक है फरीसी और दूसरा है टैक्स कलेक्टर। मतलब दो लोग हैं और वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता से, वो लोग एक मंदिर में जाते हैं और अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर पिता के सामने रखते हैं। अब हमें जो सीखने वाली बात है वो ये देखने वाली बात है कि इनकी जो प्रार्थनाएं हैं उसमें, इस पूरे ही जो दृष्टांत है उसमें मैं 2 बातें आपसे, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो परमेश्वर ने मुझे समझाया। पहली बात तो ये कि हमारी प्रार्थना किस तरीके की होनी चाहिए, हम प्रार्थना में क्या मांगे परमेश्वर से और किस तरीके से मांगे। और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि हमारी जो धार्मिकता है क्या वो सच्ची धार्मिकता है या नहीं है, वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रार्थना किस तरीके की होना चाहिए। हम देखते हैं कि फरीसी और चुंगी लेने वाला दोनों ने ही अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखी। इससे पहले कि हम प्रार्थना, इनकी प्रार्थनाओं के बारे में हम सीखें, हम देखेंगे कि दोनों के बारे में एक मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि फरीसी कौन थे और चुंगी लेने वाला कौन था। हम सभी जानते हैं, बाइबल की नॉलेज हम सबको ही है, हम सब जानते हैं कि जो फरीसी थे यानी कि जो शास्त्री और फरीसी थे वो कौन लोग थे। वो हम सोसाइटी में हर एक व्यक्ति की एक इमेज होती है। उसी तरीके से जो फरीसी थे उनकी इमेज सोसाइटी में बहुत लॉ अबाइडिंग पीपल थे, मतलब वो बहुत ज्यादा लॉ को फॉलो करने वाले, व्यवस्था को फॉलो करने वाले लोग थे, और जो कुछ भी बातें व्यवस्था में बताई जाती थी वो फॉलो करते थे, प्रॉपरली फॉलो करते थे। वो फास्ट रखते थे, जैसा यहाँ पर भी बताया गया, वो फास्ट रखते थे, प्रॉपर व्यवस्था को फॉलो करते थे, और जो कुछ भी बातें व्यवस्था बताती है वो सब उसे फॉलो करते थे, और दूसरों को भी इसी बात के लिए वो एनकरेज करते थे या दूसरों को भी बताते थे कि इस तरीके से फॉलो करते हैं। एंड दे
यूज टू सेट एन एग्जाम्पल इन सोसाइटी कि किस तरीके से हमें व्यवस्था को फॉलो करना चाहिए. एंड ऑन द अदर हैंड जो चुंगी लेने वाले थे यानी कि जो टैक्स कलेक्टर थे दे वर नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड इन द सोसाइटी. उनकी इमेज सोसाइटी में उतनी अच्छी नहीं थी और उन्हें ऐसा देखा जाता था कि वो लोग बुरे लोग हैं, वो लोग खराब लोग हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं, फाइनेंशियली एक्सप्लॉयट करते हैं. जितना टैक्स देना चाहिए उसके ज्यादा वो टैक्स लेते हैं और इस तरीके से उनकी एक नेगेटिव इमेज थी. वो पापी की दृष्टि से देखे जाते थे सोसाइटी में और फरीसियों को एक ऊंचा ओहदा सोसाइटी में मिला हुआ था. तो ये दोनों का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है. अब हम देखते हैं कि दोनों की प्रार्थनाएं कैसी थी. हम देखते हैं कि फरीसी जो था उसकी प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं बेसिकली अगर हम अपने अपने लाइफ में भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करें तो प्रार्थना क्या होती है, व्हाट इज प्रेयर. प्रेयर इज नथिंग बट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अस एंड गॉड. जैसे अभी मैं जो वचन दे रही है मेरे और आपके बीच में एक कॉन्वर्सेशन के तरीके से हुआ, या हम दो लोगों के बीच में जब बात करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन होता है. इसी तरीके से प्रेयर जब हम करते हैं तो वो गॉड के साथ हमारा जो कॉन्वर्सेशन होता है, हमारी बातचीत होती है, वो होती है. अब हम जानते हैं कि एक प्रार्थना करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो कि लॉर्ड्स प्रेयर में हमें बताया गया है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए और क्या प्रार्थना करनी चाहिए. पर उसके अलावा जब हम नॉर्मल वर्ड्स में भी प्रार्थना करते हैं, नॉर्मल वर्ड्स में जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो भी प्रार्थना का एक पार्ट होता है. हम प्रार्थना में परमेश्वर पिता से क्या कहते हैं, कोई अपनी नीड्स होती हैं उसको हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, कोई अपनी चंगाई की प्रार्थना करता है, कोई अपनी कोई जॉब लगने की प्रार्थना करता है. अलग अलग नीड्स हो सकती हैं, कोई धन्यवाद की प्रार्थना भी कर सकता है. तो प्रार्थना के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं. तो हम यही सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं यहाँ पे कि पर्पस क्या होना चाहिए हमारी प्रार्थना का. यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि फरीसी की जो प्रार्थना थी उसने अपनी प्रार्थना बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत की कि उसने अपने पर प्रार्थना में परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहा कि मैं धन्यवाद देता हूँ. लेकिन उसके बाद उसने अपने अच्छे कार्यों को गिनाया परमेश्वर के सामने, विच इज अगेन नॉट अ बैड थिंग. अगर हम कोई अच्छे कार्य करते हैं तो हमेशा हमें उस चीज का प्रतिफल मिलता है. वचन भी ये बोलता है कि तू अपना प्रतिफल ना खोएगा, वो अच्छी बात है. परंतु हम उसकी प्रार्थना को जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला मैं नहीं हूँ, अन्यायी व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ. हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी प्रार्थना तो उसने सही तरीके से स्टार्ट की, परंतु वो गलती क्या करता है कि वो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगता है. और ना सिर्फ वो कंपेयर करता है पर अपने आप को वो सुपीरियर बताता है. प्रार्थना में आप इमेजिन करें कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हम अपने आप को सुपीरियर बताएं कि मैं उसके जैसा नहीं. आप सोचिए इससे गलत बात, मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस तरीके की प्रार्थना करते हैं तो कोई भी गलत बात इससे ज्यादा हमारे जीवन में हो सकती है. क्योंकि प्रार्थना का एक उद्देश्य होता है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में जाएं और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रेयर करने की जो प्राइम रिक्विजिट बोलते हैं, जो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये होती है कि हम अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और विथ ह्यूमिलिटी हम्बल होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें. और इसीलिए कहा जाता है कि प्रार्थना हमेशा हम झुक कर घुटनों पर आके करनी चाहिए ताकि हम उसे परमेश्वर पिता को जो जिसका ओहदा है, जो उसका पावर है, उसके हिसाब से उसे हम मान दे सके, सम्मान दे सके. पर हम यहाँ देखते हैं कि फरीसी ने अपनी प्रार्थना में अपने अपनी खुद की बड़ाई तो की, साथ में उसने दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की भी कोशिश की, जो कि बहुत ही एक गलत बात होती है, गलत बात है. अगर मैं और आप अगर अपनी प्रार्थना में इस तरीके का अप्रोच रखते हैं तो हमें अपनी प्रार्थनाओं को जांचने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है कि क्या हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. और दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम्बल एक जो कैरेक्टर है वो इस फरीसी के अंदर नहीं है. वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके अंदर अहम है या प्राइड है या घमंड है किसी चीज का. क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक व्यक्ति खुद के बारे में अपनी बड़ाई कर रहा है. मतलब किसके सामने, प्रार्थना में परमेश्वर पिता के सामने हम अपनी बड़ाई करें कि मैं ऐसा करता हूं या मैं ऐसा करती हूं.
हम एक लिस्ट लेकर प्रार्थना में बैठ जाएं। पहले तो हमें लिस्ट लेकर प्रार्थना में नहीं बैठना चाहिए, स्पेशली वो लिस्ट जिसमें हम अपनी खुद की बड़ाई कर रहे हैं। आप खुद सोचें कि परमेश्वर पिता जिसने इस पूरे यूनिवर्स की रचना की, उसने दिन कब होगा, रात कब होगा डिसाइड की, सूरज कब ढलेगा, कब सनसेट होगा, कब उगेगा, कब मून निकलेगा, हर एक चीज को डिसाइड किया। उसे हम अपने अच्छे काम कैसे गिना सकते हैं? वो परमेश्वर पिता जिसकी नजर हम पर हर पल लगी रहती है, हर एक व्यक्ति पर उसकी नजर रहती है, और उसने वचन में ये भी कहा है कि मैंने तुझे बनाने से पहले तुझ पर अपना चित्र लगाया है, और उसके सामने हम अपनी अच्छाइयां गिनाए। क्या वो नहीं जानता कि हमारे दिन दिन प्रतिदिन की जो हमारे क्या कार्य हैं, क्या वो नहीं जानता? वचन वचन हमसे कहता है प्रोवर्ब्स नीति वचन की पुस्तक उसके 21 और उसके दूसरे पद में वचन कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि हम सिर्फ अपनी अच्छाइयों को देखना पसंद करते हैं, बुराइयों को हम नजरअंदाज करते हैं, बट जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति की बात होने लगती है तो हम उसकी भले ही उसके अंदर 10 में से उसके अंदर 8 अच्छाइयां हो, तो भी हम उसकी वो 2 बुराइयां जो उसके अंदर होंगी, हम उन 2 बुराइयों पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन वो 8 अच्छाइयों पर। और यही चीज है जो मुझे और हम सभी ह्यूमन काइंड को परमेश्वर से अलग बनाती है। यही बात है कि हम दूसरों की अच्छाइयों को देखना नहीं चाहते, उस पर हम पर्दा डालते हैं, परंतु बुराइयों को, उनकी जो गलत बातें हैं, उनसे जो गलत बातें हो गई हैं या हो रही हैं, उन पर हम उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। ये हमारे अंदर एक कमी है, और इसीलिए हम यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मनुष्य परमेश्वर के सामने क्यों कर धर्मी ठहरेगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि अगर कोई मुकदमा होता, अय्यूब की पुस्तक में ये लिखा है कि अगर मनुष्य और परमेश्वर के सामने इस बात पे मुकदमा हो कि मनुष्य धर्मी है, तो 100 बातें वो परमेश्वर पूछेगा, उसमें से एक का भी उत्तर हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे सारे कार्यों को जानता है, हमारे अच्छे कार्यों को भी जानता है और हमारे बुरे कार्यों को भी जानता है। पर ये हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हम किसी को, अपने आप को सुपीरियर बनाकर दूसरे को इन्फीरियर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा फॉल्ट है और हम अंधकार में चल रहे हैं। और दूसरी बात जो हम नेक्स्ट बात हम देखेंगे कि ये अहम या प्राइड क्यों आता है या किसके अंदर आता है कि हम सुपीरियर हैं। जैसे हमने फरीसी के केस में देखा कि फरीसी जो है बहुत ज्यादा अपना क्लेम कर रहा है कि मैं टाइथ देता हूँ और मैं फास्टिंग रखता हूँ, और बहुत अच्छी बात है कि सब चीजें करनी चाहिए, ये सारे व्यवस्था के काम हैं और ये सब बाइबल हमें बताती है कि हमें करना चाहिए। परंतु वचन हमें ये भी बताता है कि वचन की व्यवस्था के कार्यों से सिर्फ हम धर्मी नहीं ठहर सकते। धार्मिकता 2 तरीके की होती है। एक धार्मिकता होती है परमेश्वर की धार्मिकता, या परमेश्वर के द्वारा हम जब धर्मी ठहराए जाते हैं वो, और दूसरी धार्मिकता होती है स्वयं की धार्मिकता यानी सेल्फ राइचियसनेस। और यहाँ पे जो फरीसी जिस तरीके से अपनी प्रेयर को रख रहा है, उसमें उसका वो अपने आप को सेल्फ राइचियस बता रहा है, मतलब वो स्वयं को धर्मी बता रहा है। और यही चीज हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम कब हम अपने आप को सुपीरियर सोचने लगते हैं, जब हम चर्च जाते जो बहुत ज्यादा व्यवस्था के कार्यों को करते हैं, जैसे यहाँ पे फरीसी है एज एन एग्जाम्पल, वो लोग ही ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ सच सम ट्रेड्स या सम एक्टिविटीज, लाइक वो अपने अपना जो दशवांश है वो देते हैं या फास्टिंग करते हैं, ठीक है, इस चीज को, और उसने कहा है कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ। ये ऐसी कुछ चीजें होती है, हम डेली चर्च जाते हैं, हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम जो कुछ भी हमारा जो दान होता है चर्च में प्रॉपर मेंबरशिप का जो भी हम ईयरली देते हैं, या इस तरीके के व्यवस्था के जो भी काम है, हम अगर उससे प्रॉपरली कर पा रहे हैं तो हम कई बार घमंड में आ जाते हैं, हम अहम हमारे अंदर आ जाता है, मैं वाली बात आ जाती है कि मैं तो ये करता हूँ और मैं वो करती हूँ, लेकिन वहीं पे हम गलत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि व्यवस्था के कार्यों से अकेले मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा, और इस बात को मैं वचन के साथ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये बात कहाँ पर लिखी हुई है।
ये लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक उसके 3 और 20वें पद में। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और 20वें पद में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यवस्था के बिना के सिर्फ व्यवस्था के सपोर्ट से हम अपने आप को धर्मी कभी भी प्रूव नहीं कर सकते। व्यवस्था की जो बात है वो पुराने नियम में बहुत ज्यादा उस चीज को महत्व दिया जाता था, और बहुत स्ट्रिक्ट लॉज जो थे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, जो मसीही लोगों के लिए फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था कई बार, ठीक है। और इसीलिए जो शास्त्री और फरीसी थे वो लोग उसी उनका रोल यही था कि वो उस व्यवस्था को फॉलो करें और लोगों को भी बताएं कि किस तरीके से फॉलो करना है। पर उनकी गलत बात ये हो जाती थी कि वो अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वे तुरंत उसे समझाने या उसे सिखाने के बजाय वो जज करने लगते थे, वो न्यायी बनने लगते थे। और यही बात हमें वचन भी सिखाता है कि हम न्याय करने के लिए हमें नहीं बुलाया गया है। न्याय करने का काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। हमें न्याय नहीं करना है, हमें दूसरों को काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है। अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो हमें उसे बताना है, उसे चेताना है कि देखो ये ऐसा नहीं है, वचन हमें ये करने से मना करता है। दूसरा जो मैं आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो धार्मिकता है, जो हमने देखा कि यहाँ पे फरीसी सेल्फ राइटियसनेस को अपने बहुत ज्यादा अपने आप को धार्मिक बताने की कोशिश कर रहा है या क्लेम कर रहा है, परंतु वचन ने हमें बताया कि सच्ची धार्मिकता सिर्फ व्यवस्था से नहीं आती। तो सच्ची धार्मिकता हम कैसे ला सकते हैं, या परमेश्वर जब हम परमेश्वर हमें धार्मिक बोले वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं? तो यहाँ पे वचन लिखा हुआ है, फिलिप्पियों में लिखा है, सॉरी, दूसरा कुरंथियों 5 और उसका 21, दूसरा कुरंथियों उसका 5वां अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये वचन हमें समझने की जरूरत है कि जो पाप से अज्ञात था उसे हमारे लिए पाप ठहराया गया। कौन था वो जिसके लिए हमारे लिए पापी ठहराया गया, जिसने हमारे पापों को लिया? वो था निष्पाप मेमना, यानी कि यीशु मसीह, परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र यीशु मसीह। वो था जिसने पाप को देखा भी नहीं था, कभी जाना भी नहीं था। वो उसे दुनिया में भेजा गया, परमेश्वर पिता ने उसे दुनिया में भेजा। उसे पिता ने दुनिया में क्यों भेजा? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि व्यवस्था को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट काम था पुराने नियम में, हम देखते हैं। और जब लोगों, मतलब मैनकाइंड और परमेश्वर के बीच में बहुत ज्यादा अलगाव हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए ये दोनों, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पाप बढ़ने लग गए थे। तो इसीलिए, क्योंकि व्यवस्था अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो इसका दूसरा मतलब है कि आप पाप में पड़े हुए हो, पाप में गिर गए हो आप। तो परमेश्वर पिता और जो मनुष्यों के बीच की जो वाचा थी वो टूटने लग गई थी, और उनके बीच में गैप आने लगा था। और उसी गैप को फिल करने के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा था। और वचन भी कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वचन मैंने आपको पढ़ा कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, मतलब हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मतलब अगर हम सेल्फ राइटियसनेस से बाहर निकलकर हम ट्रू राइटियसनेस या राइटियसनेस ऑफ गॉड को अगर हम पाना चाहते हैं, हम सच में चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हमें धर्मी बोले, तो हमें बिल्कुल वैसा ही आचरण रखना है, अपनी हैबिट्स को वैसा रखना है जैसा यीशु मसीह की थी। क्योंकि वचन ने कहा है कि व्यवस्था से अकेले नहीं परंतु हम विश्वास के द्वारा। किस पे विश्वास? कैसा विश्वास? विश्वास उस निष्पाप मेमने में, यीशु मसीह पर, कि वो आया है हमारे पापों से छुटकारे के लिए, हमें एक टेम्पलेट देने के लिए कि हमें कैसा एक सच्चा मसीही जीवन कैसा होना चाहिए। और हमें अगर धार्मिकता को पाना है सच में तो हमें यीशु मसीह से होकर गुजरना पड़ेगा। उसमें से होकर हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता
हम में ऐसे ही आ जाए तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने, हम केपेबल नहीं है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को सेल्फ खुद से पा सके। हम में इतनी पावर नहीं है, हम में इतनी समझ नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को खुद से अपने बल पे हम पा लें। क्योंकि सेल्फ राइजियसनेस क्या होता है, हमारे जो काम है, व्यवस्था के काम जो है, जो कि पाप के काम होते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर अहंकार को डेवलप करते हैं, तो वो काम ट्रू राइचियसनेस नहीं है। परंतु अगर हम अपने व्यवस्था के कामों को परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास के साथ अगर हम दोनों को मिला दें, तब जाके हम कहीं उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां पर हम ट्रू राइचियसनेस कहलाएंगे या ट्रू राइचियस कहलाएंगे, या कि हम परमेश्वर पिता हमें धार्मिक कह पाए, हम ऐसे कहलाएंगे। और वो धर्म के काम क्या होते, वो विश्वास के काम कैसे हो सकते हैं? हमें विश्वास करना है कि हम बचाए गए हैं, हमारे पाप धुल गए हैं, हमें छुटकारा मिला है और हमें उद्धार की जरूरत है। हम अगर ये सोचते हैं कि हम अपने बल पे, अगर हमने किसी को खाना खिला दिया, या हमने टाइट दिया, या हमने फास्टिंग रखी, तो हम धार्मिक बन गए या धर्मी बन गए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हमें बचाए जाने की जरूरत है, हमें सेल्वेशन की जरूरत है। उद्धार, जो सेल्वेशन होता है, हमें उसकी जरूरत है। उसके बिना हम परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं पा सकते। और यही, यहाँ पे हम देखें, ये जो दृष्टांत है जहाँ पे फरीसी और जो टैक्स कलेक्टर है, उनकी प्रार्थनाओं में जो डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है। अगर हम देखें तो फरीसी ने अपने अपने एट्रीब्यूट्स या अपने ट्रेट्स गिनाए कि मैं ऐसा करता हूँ, अपनी गुड डीड्स गिनाई, बट द रॉन्ग थिंग दैट ही डिड वॉज ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ टैक्स कलेक्टर, और उस प्रोसेस में उसने उस टैक्स कलेक्टर को नीचा दिखाने की कोशिश की, इन्फीरियर फील कराने की कोशिश करी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखते हैं कि जो टैक्स कलेक्टर था, उसकी प्रार्थना को अगर हम देखेंगे, तो यहाँ लिखा है कि चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। अब देखिए कितनी, मतलब ये बात कितनी दिल को छू लेगी हमारे, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कि वो व्यक्ति जानता है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझसे पाप हुए हैं, मैं पाप की दशा में हूँ, पर एट द सेम टाइम वो ये भी समझता है, वो ये जानता है कि इन सब पापों का छुटकारा मुझे मिल सकता है, मेरे लिए अभी भी स्कोप है कि मैं सेल्वेशन को पाऊं, परमेश्वर के उद्धार को पाऊं, अगर मैं अपने पापों को अंगीकार करके क्षमा मांगू। और यही, यहाँ पर वो एग्जैक्टली वही चीज कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो जिससे प्रार्थना करता है, वो उसको जानता है, वो समझ रहा है उसकी पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी होलीनेस को, कि वो उस वेदी पे, ये दोनों व्यक्ति मंदिर में गए हुए हैं, राइट? और फरीसी जो है वो अंदर गया वो, और वो मन में प्रार्थना कर रहा। परंतु आप इसकी प्रार्थना सुनिए, ये पास भी नहीं जाना चाह रहा है, कि उस वेदी के पास तक जाने से वो कतरा रहा है, बिकॉज ही नोज दैट ही इज नॉट वर्दी ऑफ इट। उसके जीवन में इतने पाप हैं, वो ये बात एक्सेप्टेंस में है, अंगीकार में है उसके लिए कि मैं पापी हूँ, और मेरा परमेश्वर शक्तिशाली जो है, परमेश्वर पिता, उसके पास जाना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन पापमयी है। और वो पास जाना भी नहीं चाहता, और ना ही वो उसके ऊपर आंख उठाकर भी अपने आप को नहीं देखना चाह रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं तो पापी हूँ। और वो बिल्कुल हम्बल है, और बिल्कुल जैसा वचन हमें बताता है कि हमें जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें बिल्कुल दीन और नम्र होना है। और एग्जैक्टली यही ट्रेट हम इस टैक्स कलेक्टर के प्रार्थना के पैटर्न में देखते हैं, कि वो बिल्कुल उसकी तरफ देख भी नहीं रहा और पास भी नहीं जा रहा, और सिर्फ उसकी प्रार्थना एक लाइन की। और वो प्रार्थना क्या है? उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है कि एक पापी व्यक्ति, जिसे सोसाइटी के लोग तुच्छ नजरों से देखते हैं, बहुत ज्यादा घृणा की नजरों से देखते हैं, बहुत ज्यादा इंफीरियर फील कराते हैं, और कई बार उसके मुंह पर भी बोलते हैं, वो व्यक्ति को ये समझ है कि जिस परमेश्वर के सामने मैं जा रहा हूँ, जिस परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, वो इतना पवित्र है और उसके पास इतनी सामर्थ है कि वो मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, उसने अपने कोई पाप नहीं गिनाए, क्योंकि ही नोज दैट गॉड नोज उसके सारे अच्छे बुरे जैसे भी काम है, वो सब जानता है, क्योंकि वो मनों को जानता है। लेकिन यहाँ पे फरीसी क्या कर रहा है? फरीसी अपने अच्छे कामों को गिना रहा है, उनकी बड़ाई, खुद की बड़ाई कर रहा है, और वो क्लेम कर रहा है कि वो राइचियस है।
उसके अंदर कोई भी ह्यूमिलिटी, कोई हम्बलनेस, कोई काइंडनेस नहीं हम यहाँ पे उसके प्रार्थना के पैटर्न में देख रहे हैं। और यही चीज है, यही चीज डिफरेंस है, जो वचन आगे क्या कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। प्रेज गॉड। आप देखिए, परमेश्वर ने यहाँ इस व्यक्ति को धर्मी ठहराया। एक छोटी सी प्रार्थना, प्रार्थना हो सकता है आप 5 लाइन की करें, 50 लाइन की भी कर सकते हैं और 5 वर्ड्स की भी कर सकते हैं, बट वो प्रार्थना में आपका वो नेचर दिखना चाहिए कि आप दया और क्षमा याचना कर रहे हैं, ना कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर दिखवा रहे हैं यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के सामने, जिसने आपको हर चीज के लिए केपेबल बनाया है। और यहाँ पे उसी धार्मिकता की हम बात कर रहे हैं या उसी धार्मिकता की खोज कर रहे हैं कि इसने समझा कि मेरा छुटकारा परमेश्वर पिता से है, यीशु मसीह से, उसने विश्वास किया। और यहाँ पे वचन भी बताता है रोमियो 10 उसके 3 और 4 पद में, रोमियो की पुस्तक उसके 10वां अध्याय और 3रे और 4थे पद में लिखा है कि क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मतलब यहाँ पर ये हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम अपने आप को धार्मिकता, हम अपने आप को धार्मिक बताते हैं, हम क्लेम करते हैं सेल्फ राइटियसनेस को, हम जब क्लेम करते हैं तो हम सिर्फ अपने व्यवस्था के कामों के को मद्देनजर रखते हुए हम ये करते हैं। जैसा कि यहाँ रोमियो रोमियो में जो पॉलुस है वो यहाँ पे लोगों को बता रहा है कि लोग अपनी परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है, वो जानते ही नहीं है कि परमेश्वर की धार्मिकता और हमारी स्वयं की धार्मिकता आर टू डिफरेंट, आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। और अगर हमें उस क्यों नहीं वो क्यों नहीं उस चीज को समझ पा रहे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो खुद का ही खुद ही उद्धार करता है, वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जानने से अनजान, वो सत्य को नहीं पहचान रहे। वचन कहता है कि सत्य को पहचानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा या सत्य तुम्हें फ्री करेगा। क्या सत्य? सत्य यही है कि हमें अगर धार्मिक बनना है, रियल में धार्मिक बनना है, गॉड की नजरों में अगर हमें हमको धार्मिक बनना है, तो हमें उस उसके भेजे हुए बेटे पर विश्वास करना है और विश्वास के साथ साथ उस पे चलना भी है, अलोंग विथ ऑल दोज डीड्स ऑफ लॉ, जो व्यवस्था के काम है उसके साथ साथ हमें उस पे विश्वास भी करना है कि हमारा उद्धारकर्ता वही है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो चुंगी लेने वाला था उसने कोई भी ऐसे काम नहीं किए थे व्यवस्था के जिसके वजह से वो धर्मी ठहराया जाए, परंतु एंड में उसकी एक प्रार्थना, उसकी एक क्षमा याचना कि मेरे पापों को क्षमा करना उसे धर्मी बनाती है और वो अंत में परमेश्वर के राज्य का वारिस होता है या उसका भागीदार होता है। लेकिन वो फरीसी जो उसने पूरे धर्म धर्म के काम किए, वो उसे परमेश्वर ने नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। धर्मी को क्या, धर्मी ने तो अपने अपने नजर में ही अपने आप को धर्मी बना बना लिया है, परंतु उसको एक्चुअल में किसे बचाना है? पापियों को, जो ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई अब स्कोप नहीं है कि हम बचाए जा सके, हमारे लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, उन्हें कोई बिल्कुल वो नेगेटिविटी में चले गए हैं। और उन्हें उन्हें क्या चाहिए कि हम उन्हें एनकरेज करें। ये वचन अगर ऐसा कोई व्यक्ति सुन रहा है, और हम सभी पर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अंदर से टूटा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि मैं अब इतने पाप के दलदल में हूं कि मैं नहीं बचाया जा सकता, और मैंने तो इतने जीवन भर इतने गलत काम किए हैं कि मेरा अब कोई सेल्वेशन नहीं है, तो ये बात गलत है, ये सोच गलत है, ये सोच आपके माइंड में शैतान ने डाली है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे जीवते परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि सिर्फ एक प्रार्थना उसने कहा कि मैं अपनी मुझे मुझ पापी पर दया कर, और वो धर्मी ठहराया गया और परमेश्वर के राज्य में उसने एंटर करने का मौका मिला। और यही चीज अगर मैं सिर्फ यहाँ पे तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम और भी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हमें इब्रानियों में हम देख सकते हैं कि एक पूरा चैप्टर ही वॉल ऑफ फेथ के ऊपर है, जहाँ पे बाइबल में से हर उस कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के राज्य में जगह पाई है। और उसमें से अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो रहाब जो कैरेक्टर थी, रहाब जो वेश्या थी, जो एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसके बारे में हम सबने पढ़ा है, यहोशू की पुस्तक में हम जानते हैं कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसे समाज
में बहुत ही गलत नजर से देखा जाता था बिकॉज ऑफ हर डीड्स, बट हम देखते हैं कि उसी राहब को जिसके जो एक गलत कामों में थी और जो पापी थी, उसका नाम हम कहाँ पाते हैं नए नियम में? उसका नाम हम पाते हैं यीशु मसीह की फैमिली ट्री, जो जीनियोलॉजी होती है, जो वंशावली होती है, उसमें हम देखते हैं कि उस राहब का नाम आता है। मतलब यीशु मसीह उस फैमिली लाइन से आया जहां पे उस कैरेक्टर का नाम है जिसे हर गलत कारण से लोग जानते थे। पर लोग हमें कैसे देखते हैं, हमें वो नहीं मैटर करता। हमें मैटर करता है कि परमेश्वर हमें किस नजर से देखता है। हम अपने नजर में धर्मी हो सकते हैं, पर परमेश्वर अगर जब तक हमें धर्मी नहीं ठहराएगा, तब तक हम उसके राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे हैं, या आपको लगता है कि हम बहुत गलत कार्यों में हैं और हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, इट्स टू लेट फॉर अस, तो ऐसा नहीं है। ये वचन आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपके लिए छुटकारा है, अभी भी छुटकारा है, क्योंकि सिर्फ एक विश्वास के द्वारा वो राहब बचा ली गई थी और उसका नाम वंशावली में आया था। और यहाँ पे इस एक प्रार्थना के कारण, आप देखिए, एक नम्र और दीन याचना के कारण उस टैक्स कलेक्टर का नाम, उसे धर्मी ठहराया गया, उसे, क्योंकि वचन कहता है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो ही अंत में बड़ा किया जाएगा। अगर हम सांसारिक जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से अगर हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें, हम कलीसिया जाते हैं, कलीसिया में बहुत तरीके के लोग आते हैं, कोई बहुत हाई सोसाइटी रहते हैं, कोई उतने हाई सोसाइटी नहीं रहते हैं। फाइनेंशियल जो बैरियर्स होते हैं या फाइनेंशियल डिफरेंसेस को लेकर हम लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा अगर टाइथ दे रहा है तो हम उसे हाई सोसाइटी मानते हैं, जो नहीं दे पा रहा है उसे नहीं मानते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियली, बट वो हर एक काम में, यानी चर्च सुबह खुलने से लेके बंद होने तक हर काम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, ताला खोलना, साफ सफाई करना, बेंचेस लगाना और जो भी बाकी के काम हैं। लेकिन हम इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनको हम उतना वो वैल्यू नहीं देते हैं जितना हम दूसरे लोगों को देते हैं जो ज्यादा फाइनेंशियली साउंड होते हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें अपनी सोच पे, हमें एक इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। अगर हम सोचते हैं कि हम हर दिन हर संडे चर्च जा रहे हैं, बराबर प्रेयर कर रहे हैं, दिन में रात में प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को रोज सुनते हैं, तो हम, ये हमें राइट नहीं देता कि हम दूसरे लोगों को जो वचन नहीं पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पा रहे हैं, उन्हें हम इंफीरियर समझें या उन्हें अपने आप को किसी भी तरीके से सुपीरियर समझें। क्योंकि वचन ने बताया है कि ये व्यवस्था के काम जो है वो हमें अकेले को, हम व्यवस्था के कामों से स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे, हम व्यवस्था के कार्यों से, हम अकेले उसके कार्यों से ही हम धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। हमें क्या जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास किस पे? यीशु मसीह पे। यीशु मसीह पे विश्वास करने का, अब हम ये भी सोच सकते हैं कि ये इसमें कौन सी डिफरेंस बात है। हम तो जानते हैं ये क्रिश्चियनिटी का तो बेसिस ही यही है कि हमें जीसस क्राइस्ट पे भरोसा करना है और वो हमारे पापों के लिए आया, पापों से हमें उसने छुटकारा दिया और अब हमें उसने सेल्वेशन दे दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम सब तो एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन, हम ये बात जानते हैं और मानते हैं। परंतु सच में, जो एक्चुअल में इस बात का विश्वास करने का मतलब क्या होता है कि पर यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया, जो परसोनिफाई किया इन टर्म्स ऑफ डे टू डे लाइफ, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, वो हमें फॉलो करने की जरूरत है। यीशु मसीह कौन थे? परमेश्वर पिता की परसोनिफिकेशन है, उनकी परछाई है। जैसे परमेश्वर पिता है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही यीशु मसीह है। और हमें भी वचन उत्पत्ति में बताता है कि जब परमेश्वर मनुष्य की रचना कर रहे थे तो हमें उसने अपने स्वरूप में बनाया है। मतलब हम, वी हैव बिन क्रिएटेड इन हिज इमेज, हम उसकी इमेज में बनाए गए हैं, हम उसकी समानता में नहीं बनाए गए, हम उसके स्वरूप में बनाए गए। मतलब हम उसके जैसे दिखते हैं, मतलब नाक, कान, आँख, हाथ, पैर, ये हमारा स्वरूप बिल्कुल परमेश्वर के जैसा है। परंतु हम समान नहीं है उसके, हम समानता में
आएंगे या आ सकते हैं कैसे? बाय फॉलोइंग जीसस, जो उसने किया, जो उसने करना सिखाया। क्या कभी मैंने और आपने किसी भी, जो चार गॉस्पेल हैं जिसमें यीशु मसीह का जो पूरे वृतांत है वो बताया गया है, क्या हमें कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट मिलता है कि उसने किसी को इन्फीरियर बताया या किसी को तुच्छ जाना या किसी को प्रताड़ित किया? नहीं, उसने कभी भी किसी को नहीं किया। इनफैक्ट उसने तो, उसके चेले इनफैक्ट कई बार ऐसे लोगों को आने से रोकते थे कि तुम मतलब पापी हो, तो तुम परमेश्वर यीशु मसीह के पास मत जाओ। परंतु वो उन्हें डांटता है, वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें मेरे पास आने दो। हमने देखा कि उसने अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना की, उनके लिए क्षमा मांगी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, हम जब प्रेयर करते हैं तो हम अपने लिए प्रेयर करते हैं, हमारी फैमिली वालों के लिए प्रेयर करते हैं, विच इज गुड, हमें प्रेयर करनी चाहिए। बट क्या हम उन लोगों के लिए प्रेयर कर पाते हैं जो उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है? क्या हम वैसे सच में प्रार्थना कर पाते हैं? क्योंकि प्रार्थना करने का अर्थ वही है, क्योंकि वचन कहता है कि तू अपने बुरे के साथ बुरा नहीं करना है हमें, उसके लिए प्रार्थना करनी है हमें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है हमें। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम ऐसा शायद शायद ही हम कर पाते हैं, और अगर कर पाते तो बहुत मुश्किल से हम ये इस चीज को फीचर इस चीज में हम फतेह पाते हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिससे हमारा अलगाव है, या जिससे हमारी दूरी है, जिससे हमारे साथ कुछ बुरा किया है। हम ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव अभी हमारे अंदर नहीं है, हमें डेवलप करने की जरूरत है। हम देखते हैं यहाँ पे कि जो फरीसी है वो क्या बोल रहा है, कि फरीसी कहता है कि मैं 2 टाइम फास्ट रखता हूँ और मैं टाइथ देता हूँ। अगर यही चीज को हम पुराने जो उसमें देखेंगे, यशाया की पुस्तक में देखेंगे, यशाया की 58 चैप्टर में भी पूरा फास्टिंग से रिलेटेड बात की गई है। उसमें भी फरीसी जो टाइप के जो लोग हैं, उनका एक पूरा चैप्टर में उनका डिस्क्रिप्शन है। उसमें वो लोग, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर पिता को कि हमने तो फास्ट रखा, हमने तो उपवास रखा, पर तूने हमारे पर नजर नहीं की, और हमने तो दुख सहे पर तूने हमारी सुधि नहीं ली। उसने इस तरीके से, वो लोग परमेश्वर पिता को एक तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो फास्ट रखा पर तूने हमारी सुधि तो नहीं ली, हमने तो दुख सहा पर तूने हमारी तरफ दृष्टि भी नहीं की। तो परमेश्वर पिता उन्हें क्या जवाब देते हैं कि तुम्हारे जो फास्ट हैं वो कैसे हैं? तुम्हारे फास्ट का नतीजा या तुम्हारे फास्ट रखने का आउटकम क्या होता है कि तुम झगड़ा उत्पन्न करते हो, बैर उत्पन्न करते हो? ये क्या, ये हमें फास्ट रखने का क्या सही अर्थ यही होता है कि हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें? फास्ट तो हमने रखा, अगर हम फास्ट रखने का ट्रू मीनिंग है कि हम भूखे रहें, उपवास रखें, खाना, सिर्फ खाना त्यागना इज नॉट फास्ट। फास्ट रखने का मतलब है कि हम खाने को त्यागें और उसके साथ साथ परमेश्वर के जो वचन है उस पे चलें। हम क्या करते हैं कि हमने फास्ट रखा और हमने वचन में, यशाया 58 में ये भी लिखा हुआ है कि हम फास्ट रखते हैं और कोई काम नहीं करते, पर हमारे जो जो हमारे नौकर हैं या जो हमारे हाउस हेल्प हैं उन पे हम बहुत अत्याचार करते हैं, या उनके साथ हम प्रॉपर बिहेव नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। तो क्या ये सही फास्ट का अर्थ हुआ? नहीं। तो हमें वही वचन बताता है कि हमें व्यवस्था के काम से हम सिर्फ धर्मी नहीं ठहरेंगे, व्यवस्था के काम के साथ साथ हमें अपने आप को वचन में भी इम्प्रूव करना, वचन के साथ डेवलप करना। और एक और मैं इसमें आपको एक वचन बताना चाहती हूँ जो अगेन फरीसीज के बारे में ही है। मेरे साथ निकालें मत्ती की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, मत्ती उसका 23वां अध्याय और 23वें और 24वें पद में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23 और 24 में लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। आप देखिए कितना, कितनी डीप मीनिंग है इस वचन की, कि
कि हम कई बार, जैसे हमने बोला कि मनुष्य खुद की नजरों में धर्मी ठहरता है, क्या हम भी कई बार इस तरीके की गलती नहीं करते कि हमने तो फास्ट रखा, हमने तो दीन दुखियों को खाना खिलाया, या हम तो चर्च रेगुलर गए, हमने तो अपने हर प्रकार के अपनी अपनी सैलरी का या अपने किसी भी प्रकार की फसल का दशमांश दिया, तो हम बहुत सुपीरियर हो गए, और जिसने नहीं किया हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन हमें क्या बोल रहा है ऐसे लोगों के लिए, वचन क्या बोलता है कि हे अंधे अगुओं, मतलब हम अपने आप को धोखा देते हैं, धोखा खुद को दे रहे, क्योंकि परमेश्वर को तो धोखा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे वचन कहता है तुम मच्छर को तो छान डालते, मतलब मच्छर को छान डालते हो और ऊंट को निगल जाते हो, इसका क्या मीनिंग हुआ? मतलब हम अपने दूसरे की गलतियां, हमने मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा समाज में है जिसके 10 अच्छे कार्य हैं, 10 में से 9 अच्छे कार्य हैं और एक गलती है, तो हम 9 कार्यों को भूल जाएंगे और उस एक गलती को हम उजागर करेंगे या उसको उस पे गॉसिप करेंगे, उसे बार बार हाईलाइट करेंगे। और यानी कि मच्छर को हम छान रहे हैं, 10 में से 9 को अच्छे कामों को भूल कर एक गलत काम को हमने देखा, लेकिन परंतु ऊंट को निगल जाते हो। ऊंट को निगल जाते का मतलब भले ही खुद में 100 बुराइयां हों, 100 में से मान लो हम 2 ही अच्छे काम कर रहे हो और 98 गलत काम कर रहे हो, तो हम वो 98 हम हजम कर जाएंगे कि नहीं क्या हो गया क्या हो गया, अगर हम फास्ट तो रखा ना हमने कम से कम, क्या हुआ अगर हमने अपने हाउस हेल्प पे चिल्ला दिया, उसके साथ बुरा बिहेवियर कर दिया या उस पर थोड़ा गुस्सा कर दिया, तो क्या हो गया? ये इसका मतलब है कि दूसरों की तो छोटी से छोटी गलती हम नजर हम उसको हाईलाइट करते, लेकिन खुद की बड़ी से बड़ी गलती हम दबा देते हैं। यहाँ पे वो फरीसी यही कर रहा है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में, आप सोचिए प्रार्थना में अपने आप को सुपीरियर दिखाना और दूसरे को इनफीरियर दिखाना, कितना कितना प्राइड होगा किसी इंसान के अंदर जो वो इस तरीके की गलती कर सकता है, मतलब और वो रियलाइज भी ना करे कि वो ये गलती कर रहा है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना क्यों करनी है, हमें प्रार्थना में हमेशा एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है, उठाना है, और अगर दूसरे की गलतियां हैं तो उस पर पर्दा डालना है। प्रेम हर गलत बात पे पर्दा डालता है, तो क्या हम सच में एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते तो हम सच्चे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम कितने ही व्यवस्था के कार्य कर लें, कितने ही ज्यादा हम अपने आप को अपनी नजर में धर्मी ठहरा लें, अगर लेकिन हम ऐसे व्यक्ति से जो पाप में है उसके साथ हम प्रेम भावना नहीं दिखा सकते। वचन कहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हम क्या करते हैं, पापी को ही तुच्छ जानने लगते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। अगर हमारी प्रार्थना अगर फरीसीज के जैसी प्रार्थना है, अहंकार से भरी हुई, घमंड से भरी हुई, तो मैं आपको एक लास्ट बात बोलना चाहती हूँ कि जो घमंड है वो किसका कैरेक्टर था, किसका ट्रेड था, किसका बिहेवियर ट्रेड था, ये हम सभी जानते हैं कि जो प्राइड है, जो घमंड है, वो किसका ट्रेड था? वो लूसीफर का ट्रेड था, जो कि आज के डेट में वो शैतान है। याद करें जब वो एंजल था परमेश्वर के राज्य में, वो भी था, वो सबसे सुंदर, वो ही वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल द एंजल्स, और इसी बात का उसके अंदर घमंड आ गया कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, और वो दूसरों को तुच्छ जानने लगा, और वो भूल गया कि उसकी खुद की रचना उसने नहीं की, उसे परमेश्वर पिता ने बनाया है, और अगर जो उसे बना सकता तो उसे खत्म भी कर सकता है, और वही उसने अहंकार का उसने क्या फल भोगा, उसे नीचे गिरा दिया गया, उसे नीचे गिरा दिया गया। और आज के डेट में भी वो एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है विद गॉड, ताकि वो हमें फाड़ खाए और हमें नीचे गिराना चाहता है। एंड ऑन द अदर हैंड यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, नम्र और दया करने वाला, प्रेम करने वाला। क्या हमारा सच में एक ऐसा व्यवहार है या नहीं है? क्योंकि अगर हम सारी व्यवस्था के कामों को कर रहे हैं और विश्वास नहीं रख रहे, तो ये हमारे पार्ट पे बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वचन हमें बता चुका है ऑलरेडी कि तुम सिर्फ व्यवस्था के कार्यों से आप धर्मी नहीं ठहरोगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम जैसे इनको जो, और हाँ ये जो लूसीफर वाली बात मैंने कही, अगर हम इस चीज को वचन में भी देखें, तो आप याद करें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इन लोगों को क्या बोलता है, जो फरीसी और शास्त्री लोग थे उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किस नाम से पुकारा? उसने कहा था हे सांप के बच्चों, और आप और मैं हम सब जानते हैं कि सांप के बच्चे सांप कौन है,
और जो सांप के बच्चे कौन हुए, जो उसके जैसा कैरेक्टर अपने अंदर दिखाएंगे, अपने अंदर अपनी हैबिट्स में दिखाएंगे, वो सांप के बच्चे हुए। तो हमें डिसाइड करना है फॉर आवर सेल्फ कि हमें हमारे अंदर किसका स्वभाव हो, हमारे अंदर परमेश्वर पिता का स्वभाव हो, यीशु मसीह का स्वभाव हो, या हमारे अंदर उस लूसीफर के जैसा घमंड या प्राइड हो। क्योंकि वचन पत्रस में कहता है कि अगर हम दीन और नम्र रहेंगे परमेश्वर के आगे, तो वो हमें सही और उचित समय पे हमें वो उठाएगा। और अगर हम अपने आप को खुद से ही बड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे वचन हमें बताता है कि वो इंसान धर्मी ठहराया जाएगा जो अपने आप को छोटा बनाता है, और पिता उसे, क्योंकि वो ऊंचे में बनाएगा, ऊंचे में उसे स्थापित करेगा। और वचन हमें एक एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो यशाया में लिखी है 64:6 में, यशाया 64:6 में लिखी हुई है कि हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य हैं, मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। मतलब हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। कई बार ये जो शास्त्री और फरीसी थे, इन्हें लगता था, ये सोचते थे कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का काम कर रहा है तो वो बिल्कुल वाइट है, और जो नहीं कर रहा है, जो पापी, वो ब्लैक है। इनके लिए या तो वाइट था या ब्लैक था, वो ग्रे, कोई चीज ग्रे भी हो सकती है, वो इस चीज को नहीं मानते थे। और वो तुरंत जजमेंटल हो जाते थे कि ये अगर धर्म के काम नहीं कर रहा है तो ये पापी व्यक्ति है। परंतु व्यवस्था क्या बोलती है कि अगर व्यवस्था को फॉलो करना क्यों डिफिकल्ट था, और क्यों हम आज के डेट में, हम व्यवस्था काल में नहीं, हम अनुग्रह के काल में रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि व्यवस्था को फॉलो करना वॉज नॉट ईजी एंड इट इज स्टिल नॉट ईजी। इसीलिए हमारे लिए एक प्रोविजन आया है कि हम विश्वास करें। क्योंकि व्यवस्था को फॉलो करना कैसा होता है, अगर हम सपोज हम 10 आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञा में से अगर हमने 10 में से 9 फॉलो की और एक नहीं की, सपोज हमने चोरी कर ली या हमने गलती से मूर्ति पूजा कर ली, तो 10 में से 9 ही आज्ञाएं हमने मानी ना, हमने एक तो नहीं मानी, तो वो पूरी की पूरी 9 खारिज हो जाएंगी। तो व्यवस्था को फॉलो करना इसीलिए डिफिकल्ट है। बट विश्वास का जो प्रोविजन नए नियम में है, वो हमारे उद्धार के लिए आया है। हमारे परमेश्वर हमारा उद्धार चाहता है, वो चाहता है कि हम सब बचाए जाएं, इसीलिए वो हमें सिखाना चाहता है। इसलिए उसने खुद देहवचन देहधारी हुआ, मतलब वो उसने खुद एक बॉडीली फॉर्म लिया, ताकि वो हमें दिखा सके कि हमें किस तरीके से फॉलो करना है, और उसने हर चीजें करके दिखाई। अगर उसके बाद भी अगर हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये हमें सोचने और देखने की जरूरत है कि हम, हमारा चाल चलन कैसा है। अगर हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कि हम व्यवस्था के कामों को पूरा कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। क्योंकि यहाँ पे उसने कह दिया है कि जो व्यवस्था के काम है, हम दूसरों के छोटे छोटे कामों पे उसे पॉइंट आउट करते हैं, पर अपने जब बात आती है, जब कहते हैं ना कि जब हम किसी दूसरे पे उंगली उठाते हैं, किसी दूसरे पे कोई एलिगेशन लगाते हैं, तो बाकी की 3 उंगलियां हमारे तरफ भी इशारा करती हैं, और ये चीज हम भूल जाते हैं। परंतु परमेश्वर सबका न्याय करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारे अंदर कैसा कैरेक्टर डेवलप हो, लूसीफर का या यीशु मसीह का। हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, क्या हम इस दुनिया में अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं और वहां छोटा बनाना चाहते हैं, या हम यहाँ अभी नम्र हो जाएं और अपने आप को देखें और दूसरों को भी अपने साथ अपलिफ्ट करें, ना कि उनको इंफीरियर फील कराएं। तो ये इस वचन से आई होप कि मुझे और आपको एक सीख मिली हो, हमें एनकरेजमेंट मिला हो कि सिर्फ विश्वास अगर हमारा है, तो हम परमेश्वर के उस राज्य के भागी हो सकते हैं। और मैं एक और छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ कि आज पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था मुझे। और वचन को कैसे मैंने प्रिपेयर किया है वो खुदा जानता है, क्योंकि मैं शायद आज थोड़ा सा एनर्जी में भी लो थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस मैंने, स्ट्रांग मेडिकेशंस ली थी, और माइग्रेन है मुझे, और बहुत ज़्यादा कल और आज दोनों दिनों से ही मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, और मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। और आज सुबह ही मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया है, तो इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। लगातार मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, जिनको है माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, वो समझ सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है चीज़ें मैनेज करना। परंतु मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ दिया, इस वचन को आज मैं बोल पाई, उन्होंने मेरी अगुवाई की, पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दी कि मैं बोल पाई,
फिजिकल स्ट्रेंथ भी दी, और जो कुछ भी शैतान चाहता था कि उसके वचन का प्रचार ना हो पाए वो चीज़ खारिज हुई है। और हम जानते हैं कि अंत में जीत उसी की होती है, परमेश्वर पिता की होती है। और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ, आगरा मसीह मंडली पेज का धन्यवाद देना चाहती हूँ, शबनम आंटी और अनुपम अंकल को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि हम इसी तरीके से वचन में बढ़ते चले जाएं और एक दूसरे को अपलिफ्ट करते जाएं। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज गॉड।